कि मैं भाजपा वाला हूँ, सरदार साहब कांग्रेसी थे, लेकिन उतने ही शान से, उतने ही आदर के साथ इस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि हर महापुरुष के अपने अपने कालखंड में अलग अलग विचार रहते हैं, और विचार के साथ विवाद भी बहुत स्वाभाविक होते हैं, लेकिन महापुरुषों के योगदान को बाद की पीढ़ियों ने बांटने के लिए उपयोग करने का हक नहीं है। उसमें से जोड़ने वाली चीजें ढूंढना, अपने आप को जोड़ना, और हर किसी को अगर जोड़ पाते हैं तो जोड़ने का प्रयास करना, मैं हैरान। कुछ लोग मुझे इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन होते हैं सरदार साहब की जयंती मनाने वाले। ये बात सही है, लेकिन सरदार साहब ऐसे थे कि जिसके परिवार ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ नहीं है। मूल संदेश यह है कि आज की पीढ़ी की जिम्मेवारी है भारत की एकता को बल देना। हम लोग सुबह शाम देखते होंगे, ऐसा लगता है जैसे हम बिखरने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, जैसे हम बाइनोकुलर लेकर के बैठे हैं, किसी कोने में बिखरने की चीज मिलते पकड़ो यार, बिखराव लाओ, बांटो, तोड़ो। विविधताओं से भरा हुआ है देश, ऐसे नहीं चल सकता है। हमें प्रयत्न पूर्वक एकता के मंत्र को जीना पड़ेगा, जी करके दिखाना पड़ेगा, और एक प्रकार से वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर साध्य करना पड़ेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संक्रमित करना पड़ेगा,